हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं आपके लिए एनसीओ ओलंपियाड वर्कबुक क्लास फिफ्थ से कंप्यूटर्स की वर्कशीट लेकर आ रही हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 7 तक चैप्टर वाइज वर्कशीट एक्सप्लेन किए हैं और आपके लिए सॉल्व करके बताए हैं। और आज हम देखेंगे चैप्टर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 1, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यू हैव टू फर्स्ट योर ईमेल अकाउंट। ऑप्शन ए साइन आउट फ्रॉम, बी लॉग ऑफ, सी लॉग इन टू एंड डी डिलीट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लॉग इन टू। लॉग इन इज द प्रोसीजर यूज टू गेट एक्सेस टू एन एप्लीकेशन, यूजली इन अ रिमोट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, सर्च इंजन सर्च फॉर वेबसाइट बेस्ड ऑन ऑप्शन ए फाइल, बी इंफॉर्मेशन, सी कीबोर्ड्स एंड डी डाटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कीवर्ड्स। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंटर कीवर्ड्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 3, What is are the advantage of email? Option A, speedy message sending process. B, it allows for mass sending of a message at the same time. C, different types of media can be sent. And D, all of these. Correct answer is option D, all of these. Question number 4, identify the followings. This option is display on the opening of any mail. This operation generally refers to resending an email message. Option A forward, B compose, C delete and D reply. Correct answer is option A forward. Question number 5, identify the following. It is located at the top of the browser window in the address bar. And it specifies the internet address of a file stored on a host computer or server connected to the internet. Option A, web page, B, URL, C, DNS and D, hyperlink. Correct answer is option B, URL. Question number 6, which of the following is are the part of email address? Option A, username, B, at the rate, C, host server name and D, all of these. Correct answer is option D, all of these. Example of on email address is and using at the rate gmail.com. Question number 7. The domain name GOV represents government, B, globality, C, GoDaddy and D, all of these. Correct answer is option A, government. Question number 8. While browsing the internet, when you get the message, web page cannot be displayed, what should you do? Option A, close the browser. B, click on the favorite button. C, click on the minimize button. And D, click on the refresh button. Correct answer is option D, click on the refresh button. Refreshing a web page load its latest copy from one web server. Question number 9. Which of the following is not an instant messenger? A, B, C and D. Correct answer is option D. A, B, C are the instant messaging apps and option D is an antivirus software. Question number 10. Using a search engine, you can book for option A, articles, stories and news, B, images and videos, C, games, websites and software and D, all of these.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 11. इफ यू वांट टू सेंड द सेम ईमेल टू मोर देन वन पर्सन यू कैन टाइप मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय ऑप्शन ए ब्रैकेट बी कॉमा सी हाइफन एंड डी स्लैश. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉमा. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाइल चैटिंग पब्लिकली व्हाट शुड यू नॉट डू ऑप्शन ए टॉक टू स्ट्रेंजर बी गिव यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन सी रिवील योर आइडेंटिटीज एंड डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ पीसी डेट टेक पार्शियल कंट्रोल ओवर द यूजर्स इंटरेक्शन विदाउट यूजर कंसेंट. ऑप्शन ए सॉफ्ट स्पाईवेयर बी सॉफ्ट स्पाई सी डॉकवेयर एंड डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पाईवेयर. स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डैट ट्रैक एंड सेंड्स पर्सनली आइडेंटिफिबल इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 14. ऑब्टेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अदर सिस्टम इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड ऑप्शन ए एक्सेस बी स्टीलिंग सी फॉर्गिंग एंड डी हैकिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हैकिंग. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेब पेज प्रोवाइड एंड ओवरव्यू ऑफ ऑल द पेजेस ऑन अ वेबसाइट ऑप्शन ए डाउनलोड पेज बी होम पेज सी हिस्ट्री पेज एंड डी साइट मैप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी साइट मैप. क्वेश्चन नंबर 16. विच कंपनी डेवलप द क्रोम वेब ब्राउजर ऑप्शन ए बी सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गूगल. क्वेश्चन नंबर 17. ऑल द URLs that translated into numeric address using the numeric addresses are called the option A web browser links B DNS IP addresses C search engine protocols and D HTTP and DNS. Correct answer is option B DNS IP addresses. Question number 18. Generally, the web pages available over the web are written with the help of option A Python, B QBasic, C Visual Basic and D HTML. Correct answer is option D HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Question number 19. Which of the following service of Microsoft is used to send and receive email? Option A, Gmail, B, Outlook, C, WhatsApp, and D, Hangout. Correct answer is option B, Outlook. Question number 20. Select the odd one out. Option A, B, C, and D. Correct answer is option B, Apple. Option A is of Safari web browser. Option B is a Google Chrome web browser. Option C is of Internet Explorer. That is also a web browser. And option D is Apple Inc. A multinational technology company that develops computing devices such as smartphones, tablet, iPad, etc. Question number 21. Achiever sections. What is the difference between CC and BCC when sending an email?
ऑप्शन ए बी सी सी सपोर्ट अटैचमेंट वाइल सी सी डज नॉट, बी सी सी डाटा इज सेंड अनसिक्योर्ड वाइल बी सी सी इज द सेंड ओवर अ सिक्योर कनेक्शन, सी बी सी सी हाइड द सेंडर्स ईमेल एड्रेस वाइल सी सी डज नॉट, डी बी सी सी हाइड्स ऑल द रिसिपेंट ईमेल एड्रेसेस वाइल सी सी डज नॉट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सी सी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, वेन यू सी सी पीपल ऑन एंड ईमेल द सी सी लिस्ट इज विजिबल टू ऑल अदर रिसिपेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी सी अनु एट द रेट एग्जाम्पल कॉम एंड भावना एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड ईमेल्स बोथ अनु एंड भानु विल गेट टू नो डैट ईमेल इज सेंड टू अदर पर्सन। ऑल्सो बी सी सी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अनलाइक विद सी सी नो वन कैन सी द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट ऑन द बी सी सी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ हाइपरलिंक। ऑप्शन ए देयर शुड बी ओनली वन हाइपरलिंक ऑन वन वेब पेज, बी व्हेन ए हाइपरलिंक इज क्लिक यू आर कनेक्टेड टू अदर पेज ऑन द वेब, सी हाइपरलिंक्स आर हाईलाइटेड बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और डिस्प्लेइंग देम इन डिफरेंट कलर और बोथ, एंड डी इट इज हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देयर शुड बी ओनली वन हाइपरलिंक ऑन वन वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइल सर्चिंग न्यूज़ ऑफ गूगल सर्च इंजन यू वांटेड टू सर्च ओनली दोज न्यूज आर्टिकल डैट वेयर पब्लिशिंग ड्यूरिंग पास्ट आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मार्क एज 1, 2, 3, 4 वुड हेल्प यू टू डू सो। ऑप्शन 1, A1, B2, C3 and D4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी D4। डी फॉलो द गिवन स्टेप टू फिल्टर सर्च रिजल्ट ऑन द बेसिक ऑफ टाइम टूल्स एनी टाइम एंड पास्ट आवर्स। क्वेश्चन नंबर 24, ऑब्जर्व द स्नैपशॉट ऑफ एड्रेस बार सो हियर, व्हाट डज द एरिया मार्क विथ पी इंडिकेट्स। ऑप्शन है A. It indicates that the web page you are visiting at tracking your location. B. It indicates that the web page you are visiting is secure to visit. C. It indicates that page you are visiting needs to be translated. And D. It indicated that the page you are visiting contains animated graphics. So, correct answer is option A. Icon mark as P refer to GPS. GPS stand for Global Positioning System. Question number 25. Which of the following statement is incorrect about a website? Option A. It is a collection of related web pages. B. It provides web pages containing images, video or audio under a common web address. C. The information on a website is generally published by same person or organization. And D. It is accessibility event without the internet. Correct answer is option D. It is accessibility event without the internet. तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और हमने अपने अदर वीडियो के भी प्लेलिस्ट बनाकर नीचे डाल रखी है, उसे प्लीज़ आप जाकर अवश्य देखें। मैंने क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक के कंप्यूटर MCQ डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप एक बार अवश्य देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।